मैंने माँ में से गाली दी जानू भाई, छोड़ना जानू भाई, बीच में मत लड़ने लड़ने तू आया ना, लड़ने तू आया, ओए कब आया लड़ने, उसने लागे तू आया ना, सुन मेरा, छोड़ यार, मैंने गाली दी छोड़ चल यार, आगे वाला कल मुझे रोज दल्ला बोलता था यार, चांद मारो कंधे सा बजेगा। हाँ छोड़ो, क्या कर रहे हो, प्राय मर्द का हाथ नहीं पकड़ते, आई बात समझ में। ये आज जीजू ले रहे हैं, ये वाचा करो। ओ भाई साहब चेक कर रहे हो, ये गाड़ी लास्ट टाइम अब इस कलर में है, मतलब ये पूरी चीजें देख लो, लास्ट टाइम आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूँ, ऐसा ये देखो अभी ऐसा फ्रंट है, ठीक है, कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला गाइस, कुछ नेक्स्ट लेवल। तो गाइस भैया अभी चेक कर रहे हैं, भैया लो कर दो, तो भैया गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो उसके बाद जब ये आएगी तब देखेंगे भाई कैसी बन रही है कैसी नहीं। और टाइम भाई लगभग सुबह के हो गया है 7। हेलो गाइस, राम राम सभी, कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो भाई हम जा रहे हैं अभी कावासाकी में, क्योंकि भाई जैसे हम बाइक ले रहे हैं तो भाई जीजू जो है उन्होंने कहा मेरे को भी सुपर बाइक चाहिए, तो वहाँ पे एक सुपर बाइक खड़ी हुई है, तो शायद से हम उसकी डिलीवरी मेरी बाइक के साथ ले लें। तो भाई चलते हैं भाई फटाफट से कावासाकी, और उसके बाद भाई हमने अपनी एक न्यू जैकेट भी लेने जाना है, मतलब राइडिंग जैकेट, जो सारा सीन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी जैकेट लेने भी हमें जाना है, तो हम गोल्ड राइडर कैफे भी जाएंगे, और उसके बाद भाई रात को सोच रहा हूँ जो अपनी कार है बड़ी देर लेट होगी उसकी मॉडिफिकेशन, तो उसको भी मॉडिफिकेशन के लिए भेज दें। तो जो भी सारा सीन होता है अभी निकलते हैं फटाफट से घर से, मिलते हैं। कहाँ रहते हो, सरवाल से आए हो, ठीक है, कि साइकिल पे आराम से जाना घर पे, ठीक है, किस नाम से, जाके सब्सक्राइब करो गाइस। सो चलो गाइस अभी निकलते हैं फटाफट से, तो बाइक करते हैं भाई स्टार्ट, यहाँ पे लगी अपनी S1R। सो गाइस अभी निकल रहे हैं घर से, बाइक हमने कर ली है स्टार्ट, राइड में इसकी पहली ले चुका हूँ, कोल्ड स्टार्ट मैंने कर दी थी, यहाँ पे रहे भाई व्लॉग्स भाई सुमित। तो चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं मिल। तो गाइस फाइनली घर से निकल चुका हूँ, अर्जुन भाई डायरेक्ट उधर ही आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि वो बड़ी राउंड रहते हैं, तो भाई कावासाकी बहुत ज़्यादा पास पड़ता है उनको अपने घर से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कावासाकी, तो वहाँ पर जो बाइक लगी है जिस बारे में बात कर रहा हूँ, शायद भाई शायद आपने स्टार्टिंग जो शॉर्ट्स हैं उसमें देख ही ली होगी, तो बाकी चलो देखते हैं जो भी सीन होती है उसकी, जो भी डील वगैरह बनती है बताता हूँ। जीजू तो मुझे बोल रहे थे कि यार मैं 6R ले लेता हूँ, पर मैंने बोला नहीं भाई स्टार्ट करना ना स्टार्ट, जो स्टार्टिंग सुपर बाइक होती है देखो कोई चौंक में ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो स्टार्ट भाई इतनी हैवी सीसी से कभी नहीं करना चाहिए, मतलब सीसी तो उसकी भी 600 ही है, बट सीन ये है कि यार वो मतलब कि ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा भागती है भाई, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई वो भी 6R पे आ जाए सीधा ही। और गाइस आज मैंने एक मेन टॉपिक के बाद बारे में बात करनी है भाई, मैं न्यूज़ वगैरह चेक कर रहा था, तो भाई लोग कह रहे थे हाँ फाइनली भाई जम्मू के सारे मोटो व्लॉगर्स का कोलैब हो गया भाई, बाइक का जो ट्रांसफ़र का काम था वो करवाना था भाई, कोलैब वगैरह कुछ नहीं है, बाकी ये नहीं है मैं बोलता कि भाई मेरी सबके साथ लड़ाई है, ठीक है, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है भाई, ठीक है, पर सीन ये है कि मेरे सारे दोस्त भी नहीं है, तो स्टार्टिंग से ही मैंने आपको एक बात बोली है कि भाई दोस्त अपने जो भी हैं अपनी टीम के आपको पता ही है, तो वही हैं और कोई नहीं है भाई, तो ऐसे आप मतलब कि कुछ भी मत डाल दे रहे हो, क्लैब हो गया ये हो गया, आप पीछे की बात जान लिया करो भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बाइक के ट्रांसफ़र का काम था, उसका OTP वगैरह लेना था, और मैंने अपने दो मतलब कि जो सेकंड लास्ट व्लॉग है उस पर बोला भी है स्पेशली कि मतलब कि जो भी सीन था बाइक का डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो सारा क्लियर हो चुका है, तो वही मैं आपको बता रहा था, बाकी उसी काम के लिए हम उधर गए थे, कोलैब वाला कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, ना कभी है ना कभी होगा। तो गाइस ये देख सकते हो यार पूरी रोड जो है ना कंस्ट्रक्ट हो रही है, और भाई पूरी टूटी फूटी है, तो अभी ये खुद ही भाई इन्होंने दो तरफा ही रास्ता बना दिया, कहाँ से आना कहाँ से जाना कोई समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर क्लास, जम्मू की रोडों को ना बहुत बुरी हालत हो चुकी है गाइस, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, सुपर बाइक से छोड़ो नॉर्मल बाइक से चलने लायक भी नहीं रही है, ये जो पूरा अभी हाईवे बन रहा है ना भाई नेशनल पूरा का पूरा ही रद्दी हो गया हुआ है, ऐसे यहाँ से भाई नेशनल हाईवे से
लखनपुर पहुंचने में एक घंटा लगता था, अब दो ढाई घंटे लगते हैं भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई कावासाकी में, चेक कर लो भाई। तो अभी बाइक लगाते हैं सामने, चेक करो हमारा इंतजार कौन कर रहे हैं। अर्जुन भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आओ अंदर, कैसे भैया ठीक हो? तो गाइस आप सोच रहे हो यार मैं अभी क्या कर रहा हूँ। हम पहुंच चुके हैं कावासाकी में और यहाँ पे है भाई मेरे सामने बाइक लगी है जो अभी जीजू ले रहे हैं, जीजू भी आ रहे हैं और भाई उन्हें आज बयाना भी दे देना बाइक का। ये आज जीजू ले रहे हैं, जीजू ले रहे हैं। आ, आ, भाई चेक करो यार मैंने ली, ठीक है। तो अभी इसकी राइड भी मारते हैं भाई पूरी, पता चल जाएगा भाई बाइक कैसी है। एक्सल 60 लगा हुआ है इसमें, चेक कर लो पीछे से भी बाइक, तो भाई नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे गाइस राजा भी आ चुका, राजा भाई क्या हाल है? ये पेनली 600 आई, ये भी गैंग में तीन चार बाइकों की डिलीवरी ले रहे हैं उस दिन एक साथ। तो भाई देख रहे हो गाइस अभी इसको लेके निकलते हैं, खुशी लग रही है चेहरे में, ठीक है बैठो। सो गाइस अभी आ चुके हैं, अभी हम क्या करने आए थे बताओ तो सही गाइस को, क्या करने आए हम? ये पहली सुपर बाइक ले रहे हैं, तो चारों बाइक इकट्ठी लेंगे हम, ठीक है। मेरी राज्य की पर भी है और आपकी, ठीक है। पहले नवरात्रे को सारे है ना, तभी आनी है बाइक भी। तो गाइस चलो फटाफट से बुकिंग वगैरह करवाते हैं और जो भी सीन होता है वो करवाते हैं। गाइस अभी जो भी है सारा सीन हो गया, बाइक्स कब दे रहे हो मैं? डेट 9 को, तो भाई 9 अप्रैल को हमारी बाइक सारी है। राजा भाई एक्साइटेड? बिल्कुल ज्यादा। आप? मैं तो वही हूँ। पहली सुपर बाइक, वो तो भाई ने 6 साल मना कर दिया। देख लो चार बाइक ले रहे हैं इकट्ठे एक साथ, आपसे लिया भी था किसी ने? फिर डिस्काउंट दिया दोगे? नहीं किचन जैकेट जुकेट तो दे देना, ठीक है। So guys, सारा सीन हो गया हुआ है, ठीक है। 9 को फिर दुबई है जम्मू में। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, ये रही बेनली हमारे सामने भाई, वाइट कलर की HID भी लगी हुई है इसमें और भाई ये प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं और वहाँ से पता चल ही रहा है एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, तो ब्रेम्बो की ब्रेक्स लगी हुई हैं इसमें। तो अभी ना क्या करते हैं, एक फटाफट से अच्छी सी एक राइड मारते हैं, देखते हैं भाई चलने में कैसी है भाई। चलो गाइस निकलते हैं। साइकिल साइकिल है ये साइकिल। तो गाइस चलो अभी राइड मारते हैं। ओ भाई भागती तो ये भी आवाज सुनो यार, ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल भागती है यार। ओ भाई सुमित जीजू तो यार पागल हो जाएंगे भाई ये बाइक चला के, बुलेट से सीधा भाई पेनली 600। कौन सा हट गया हुआ है इसका यार, वाह सुनो भाई इसकी वाह सुनाता हूँ भाई मैं आपको, इसकी ना साइड पे खड़े करके ये वाह चेक करो। ओ भाई साहब चेक कर रहे हो? तो चलो भाई अभी वापस चलते हैं और पूछते हैं भाई कौन सेट का लगा मसला, क्या बोल रहे हो? हाँ छोड़ो क्या कर रहे हो, पराए मर्द का हाथ नहीं पकड़ते, आई बात समझ में। उसके बाद क्या हुआ यार, उसके बाद हम आ चुके थे भाई घर पे, तो उसके बाद हमने भूल गए कि हमने जैकेट भी लेनी थी। उसके बाद मैंने गाड़ी निकाल ली, चलो जैकेट वगैरह ले आते हैं अपनी जो भी है। उसके बाद भाई हम गए बोट राइडर कैफे, तो आगे की क्लिप चेक करो भाई आप। उस दिन जो सीन हुआ था ना, जो ये मेरे को बोल रहे थे, तो मैं मजाक मजाक में ले रहा था, क्योंकि देखो जिस बंदे के साथ ने खाना खाया हो भाई, घूमे हो, मतलब साथ में रहे हो, तो उसको बंदा क्या सीरियस लेगा, मतलब बोलेगा मजाक में भाई। जब मैंने घर आके व्लॉग देखा कि यार मेरे को सीरियसली मतलब बोल रहे थे और बीच में इन्होंने एक दो बारी गालियाँ भी दी थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा जाके पूछा कि भाई कहाँ तूने मेरे से सॉरी मंगवाई थी, मंगवाना सॉरी, बस इतनी बात ही, मैं बाहर आ गया चुप करके। उसका देखो क्या सीन हुआ, तो
चांद मारूंगा कम से सा बजेगा। मैंने कफा दिया आपको तो गाइस उसके बाद में बाहर आया। ठीक है बाहर आने के हम जाने ही लगे, मैंने कहा छोड़ यार इसको क्या बोलना भाई जैसा था। ठीक है बाकी यार ये भी अमीन भी इतना बदतमीज नहीं था भाई जितनी ये बदतमीजी करने लग गया। ये पता नहीं किसकी शह में आगे कर रहा है या सोचता है ये मेरे साथ बंदे होते हैं ये मेरे को बचाएंगे। आप खुद क्लिप देखना गाइस पूरी, इसके जो साथ में बंदे थे ना इसके ऊपर कैमरा रख के हंस रहे थे और मौजू बना के ना क्लिप बना रहे थे। ठीक है तो ये पता नहीं क्या सोचता है भाई। मैं सीरियसली देखो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इसको ये बोलो वो बोलो, ये मतलब इतना बदतमीज नहीं था जो मतलब ये करना शुरू हुआ अभी थोड़े दिनों से। ठीक है बाकी क्लिप चेक करो आपको क्या। मैंने मां में से गाली दी जानू भाई छोड़ना जानू भाई जानू लाइट चुप अभी आपने खुद जब तक बीच में मत रहना फिर दया बोलता था भाई लड़ने 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 तो आया ना लड़ने तो आया ओए कब आया लड़ने उसे लगे तो आया ना सुन मरा छोड़ नहीं मैं छोड़ 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 नहीं मैं लड़ने आया छोड़ छोड़ यार मैंने गाली दी मैंने गाली दी सामने से मैंने गाली दी चले जा ऑनलाइन मैंने पहले गाली दी छोड़ छोड़ चल यार तो भाई भाई मानता था ना यार आगे वाला कल मुझे रोज दल्ला दल्ला रोज दल्ला दल्ला बोलता था यार हर वीडियो में दल्ला बोलता था वीडियो का वीडियो के साथ। तो सो गाइस उसके बाद क्या हुआ यार ये ना पीछे से बोलते आया कि तूने मुझे मम्मी के बारे में ऐसे बोला है वो आपको अच्छे से बताओ। वहाँ पे जितने लोग हैं सबने क्लियर कर लिया था कि मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला था। बात करने के लिए आया और भाई आगे आगे ना ऊपर चढ़ रहा था मैं अंदर बात खत्म करके आ गया हूँ। ठीक है मैंने तो कुछ नहीं बोला या जो बंदा अपने साथ रहा उसको क्या बोलना है। ठीक है पर एक चीज़ भाई मैंने देखी वीडियो में घर आके मेरे को इससे कुछ भी नहीं है भाई दिल से ना मैं चाहता हूँ मैं सब दुश्मनी है ना मैं इसके साथ कोई दोस्ती रखना चाहता हूँ। ठीक है कुछ भी नहीं है मेरे को इसके साथ ये मतलब क्या बोलूँ यार मैं इसके स्क्रीनशॉट डालूँ इसके जो मैसेजेस थे ना पहले कि भाई मेरे को कोई नहीं समझता था आप ही जानू भाई जो हो वो चलो छोड़ो वो बातें रिलेटेड भी बाकी जो इसके साथ बंदे थे भाई वो भाई साथ खड़े होके ना इसकी वीडियो बना रहे और हंस रहे हैं मेरे को वो देख के शर्म आई और उनके पीछे मेरे से मेरे को मतलब बोल रहा है यार। बाकी चलो कोई बात नहीं हो गया जो होना था बात होगी ख़त्म। तो उसके बाद भाई हम आ गए घर पे तो ये कुछ टाइटल डाला था इन्होंने कि जानू ने मांगी सॉरी ये मांगी वो मांगी तो वही बस मैं पूछने गया था बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है कंट्रोवर्सी यहाँ पे एंड बाकी भाई आप सबके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ ना हमारी हमारी मेरी राज्य की और मेरी गैंग की इनके साथ निभ सकती है ना हम एक दूसरे को बुला सकते हैं ना हम साथ में ब्लॉग कर सकते हैं और ना हमारा आज के बाद ब्लॉग आएगा साथ में। ठीक है हमने बहुत कोशिश करके देख ली पर ये बंदे भाई है ही नहीं बुलाने लायक। तो गाइस आज के बाद मैं सीधा बोल देता हूँ भाई मेरी वीडियो पे ये कमेंट मत कर देना कि भाई इसके साथ अपना इसकी गैंग के साथ ब्लॉग बनाओ या उसके साथ बनाओ मेरे को भाई किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो भाई हैं हम उसके साथ ब्लॉग बनाएंगे सीधी सी बात है यार ये बुलाने के लायक ही नहीं है। ये अगले बंदे को भाई कुछ समझते ही नहीं है ये सोचते हैं अगला बंदा भाई हम इसकी वीडियो में बेइज्जती करते रहें और ये चुपचाप करके सहते रहे तो भाई हमने किसी का देन नहीं देना। ठीक है बाकी जो होता ना आमने सामने ये होता है कैमरे में बहुत कुछ बोलते हैं बंदे ये होता है भाई आमने सामने बाकी आपने देख ही लिया। सो गाइस व्लॉग इसे यहीं पे एंड करते हैं कीप लविंग कीप स्पोर्टिंग साइनिंग ऑफ जेट्स एंड प्लीज यार किसी को जाके गाली गुलियां मत देना। ठीक है बाकी आपकी मर्जी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है तो व्लॉग इसे यहीं पे एंड करते हैं।